So we are all set, bike is there, fully load up. Let's start the bike on first crank. So friends, welcome back to my channel in another episode of Taste of North India. So it's exactly 7:03 away and I am leaving from this beautiful land, that is Sam Dunes of Jaisalmer towards Bikaner. Yaar, man nahi kar raha is beautiful jagah ko chhod ke jaane ka yaar. Thank you Kasam bhai, Murad bhai, beautiful memories yaar. Thank you once again. मिलते वापस. ब्यूटीफुल सनराइज मैन. ये सब जहाँ पे कैंप ही कैंप है. टू गो टू बीकानेर हमें जाना पड़ेगा वाया जैसलमेर सिटी, उसके बाद आएगा पोखरण और पोखरण से बाईपास है फॉर बीकानेर. वाह, सूरज भाई साहब आ चुके हैं बाहर, आप देख सकते हो. यहाँ पे ठंडी नहीं है बॉस, ज़रा भी ठंडी नहीं है. हम लोग को लगा रात को ठंडी आएगी, सुबह भी अभी ठंडी रहेगी, कुछ ठंडी नहीं है, गर्मी ही गर्मी है. और अभी तो ये सूरज भाई साहब बाहर आ गए ना, अभी चूसने को स्टार्ट कर देंगे. बाय बाय दिस पार्ट ऑफ राजस्थान. देख सकते हैं यहाँ पे पहले बारिश गिरी, यहाँ पे तो पूरा पानी जमा हुआ है यहाँ पे. एक चीज़ समझ में आती है, लोकल वाले के पास यहाँ पे गाड़ी पे नंबर प्लेट ही नहीं रहता है और ऐसे ही चलाते हैं, और कोई पुलिस वाला नहीं, कोई नहीं. और जैसे कर्नाटका केरला में घड़ी घड़ी यहाँ पे पूछा जाता है रुका के पेपर्स पर और बाइक के, यहाँ पे कोई चेक पोस्ट ही नहीं है. सिर्फ आर्मी वालों ने वो आईडी पूछा था, अदरवाइज यहाँ पे कॉप्स को कुछ लेने देने है ही नहीं लगता है. नो चेक पोस्ट, नो चेक नाका. एंजॉय दिस ब्यूटीफुल नेचर मैन. एक साइड पे पूरा बगास है और यहाँ पे ग्रीनरी है. टायर्स इतनी अच्छी ग्रिप देते नहीं सैंड के ऊपर, स्लिप हो जाता है. और ब्रेक तो याद रखना, कभी भी ब्रेक मत दबाना. जैसलमेर इज 27, ये चीज़ में उसके अंदर कभी भी फ्रंट ब्रेक मत दबाना दोस्तों, याद रखना. आपके बैलेंस है बाइक को संभालना, बस. नो एक्सीलेटर, नथिंग. ब्रेक दबाओगे तो टायर डेफिनेटली स्लिप हो जाएगा. कल तनोट माता का दर्शन करके यार बहुत मन को अच्छा लगा यार, सुकून हो गया दिल को. क्योंकि जस्ट मेरे बर्थडे के चंद घंटों पहले उनका दर्शन हो गया. मैंने प्लान तो ऐसे किया कि थी 5 सितंबर को, यानी मेरे बर्थडे के दिन, यानी आज हम जाके तनोट माता का दर्शन करेंगे. और अपना प्लान चेंज हो गया, आपने तो व्लॉग में देख लिया. ब्यूटीफुल लग रही है यार ये. सो बाय द वे दोस्तों, आज का हमारा डेस्टिनेशन है बीकानेर, और बीकानेर फ्रॉम सैम ड्यून्स इज 349 किलोमीटर. फ्रेंड्स, हम पहुंच गए सुवर्ण नगरी, दैट इज गोल्डन सिटी जैसलमेर. आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा दोनों तरफ पानी पानी. कल जो है वो यहाँ पे घमासान बारिश गिरी है जब हम सैम ड्यून में थे. ये रोड जाता है टूवर्ड जैसलमेर फोर्ट. अगर आपको जैसलमेर फोर्ट अंदर से पूरी तरह से देखना है तो अभी लिंक आई रहेगी आई बटन में, देख लीजिए पूरा व्लॉग्स. हम वहाँ पे एक दिन रिसाइड कर चुके हैं, पूरा फोर्ट एक्सप्लोर कर लिया हमने. जैसलमेर सिटी मन को भाग गई थी यार. सो फ्रेंड, जैसलमेर सिटी तो पास कर लिया हमने, अभी आएगा यहाँ पे जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम. अभी समय था हमारे पास, हम एक्सप्लोर कर पाते थे. और उसका टाइमिंग है 9 बजे स्टार्ट होता है, अभी बजे 7:51. शिट मैन, आते वक्त तो नहीं एक्सप्लोर किया क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो ये सही मौसम था, बट क्या करें यार, 9 बजे तक कौन वेट करेगा. फ्रेंड्स, नज़ारा देखिए क्या ब्यूटीफुल लग रहा है. देखिए जयपुर इज 551. डायरेक्ट प्लान था हमारा जयपुर ही करने का, बीकानेर बीकानेर तो प्लान में था नहीं, बट इतनी गर्मी में मोर देन 600 किलोमीटर करने का, वाय. गूगल बता रहा है 12 घंटा लगेगा, तो हम 2 घंटा और ऐड करते, 14 घंटा चलाने की क्या ज़रूरत है. दैट्स वाई वी ऐड बीकानेर इन दिस राइड. फ्रेंड से देख लीजिए बारिश की वजह से पानी देखिए कितना भर गया है यहाँ पे, जैसे लाइक छोटा तालाब बन गया है यहाँ पे, रुड़ के इतने पास तक पानी है. बीकानेर
बीकानेर स्टील 313 किलोमीटर अहेड। टाइम हुआ है 8:02। बाय द वे फ्रेंड्स, आपको बताना भूल गया, ये आप देख सकते हैं होल्डर बैक ऑन बाइक। एक्चुअली जैसलमेर की सिटी में इंक्वायरी की यहाँ पे, तो एक जगह पे मुझे पूरा कंप्लीट सेट मिल गया, सेम फोन होल्डर जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो उसको रिक्वेस्ट की यार प्लीज़ इतना सा माउंट वाला पार्ट दे दो हमें, तो उन्होंने ना बोला, ऑब्वियसली कौन देगा है? उनका वो चीज़ वेस्ट हो जाएगी। तो पूरा सेट मैंने वापस परचेज कर लिया, 350 रुपीज़ बोल रहे थे, बात कर करके बार्गेनिंग करके 250 तक लेके आए। तो आई थिंक इट इज़ नॉट बैड डील टू गेट द फोन होल्डर विथ चार्जिंग ऑप्शन इन 250 रुपीज़। कूल, चला रहे बाइक, 100+ बाइक भगा रहे हैं, रोड बहुत अच्छा है। शहर 5 किलोमीटर आगे बाईपास हमने ले लिया है। ये है वो विलेज रामदेवरा, पास सब विलेज में हमें देखा था पब्लिक चल के पूरे जा रही थी, तो ये यहाँ पे आ रहे सब लोग। 7 तारीख तक मेला है यहाँ पे, अराउंड 15 डेज चल के यहाँ पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पोखरण से जोधपुर वाला रोड कुछ ऐसा है, हाईवे गाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा है, रोड परफेक्ट है और मस्त मक्खन की जैसे हैं। जो यात्री ये लोग हैं वो आ भी रहे और जिनका दर्शन हो गया वो जा भी रहे, तो जाने वाले बहुत जोश में है, तो कैसे भी गाड़ी चला रहे हैं। यार राजस्थान में रोड मस्त है, ये देखिए क्या जरूरत है इसको आने की, ऐसे देखा अब फिर से रहते इधर किधर से किधर। अपना भारत इतना प्यारा है तो पूरा भारत देखने का, फिर अपना इतना प्यारा देश है कि नहीं, तो 610 कर दो। तो फ्रेंड्स, पेट्रोल भरा लिया, 10:00 और अभी इस रोड के ऊपर डिवाइडर आ गया है, इट इज़ वेरी गुड थिंग। एकदम गंदा बिटला सारा इस साइड से, एकदम गंदा यार, पेड़ लगाओ यहाँ पे, यार पेड़ लगाओ। बीकानेर इज वर्स्ट थिंग, व्हाई? ब्रेकफास्ट करना है यार, कुछ अच्छा ढाबा दिख ही नहीं रहा रोड पे। अरे टोल रोड खत्म होने के बाद रोड देखो कैसे हो गया, अरे बाप रे, ये पत्थर के ऊपर बहुत डर लगता है यार, स्लिप हो जाता है। टोल रोड आरंभ, अभी नया टोल और ओके, वो टोल और ये टोल अभी अब चालू हुआ ना, तो बीच में का पैच गंदा रहेगा ना, उसका पैसा नहीं भरते ना आप, हम किधर पैसा भरते हैं भाई। बाइकर्स को तो एक बेनिफिट है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ आप अभी जाओ, हाँ नाइस रोड छोड़ दिया। तो ये आ गया बाप टोल बूथ, बाप बोले तो ऐसा बाप है, ऐसा है नहीं, इस जगह का नाम है बाप, गाँव का, तो उस टोल बूथ का नाम है बाप। अच्छा लगा छाव में टोल बूथ। स्पीड लिमिट देखिए, गाड़ी के लिए 70 और ट्रक के लिए 60, यहाँ पे हम 90 के नीचे नहीं चला रहे हैं। We just had a beautiful lunch here, 11:11 and still 130 किलोमीटर जाना है। टेम्परेचर बहुत बढ़ गया दोस्तों, यहाँ पे 35 के ऊपर दिखा रहा था। फ्रेंड्स, यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट में कैसे लेके जाते हैं पब्लिक को देख लो आप, एक डबल डेकर कर लिया उसको, एक तो नीचे कितने भरे हुए हैं, फिर भी इसमें ऊपर बहुत कम है, नॉर्मल ऊपर में तो लटकते रहते हैं। माय गॉड, टोल बूथ बिफोर बीकानेर, बीकानेर इज एग्जैक्टली 85 किलोमीटर अहेड। सो फ्रेंड्स, बीकानेर में आपका स्वागत है। 12:56 अराउंड 1:00 आया, बहुत गर्मी यार, 40 ये दिखा रहा है, 40 क्या होने वाला है यार, हालत खराब है। कनर में है ऊंट की गाड़ी, ऊंट गाड़ी क्या बोलते हैं इसको मालूम नहीं भाई एग्जैक्ट नेम, हमको तो घोड़ा गाड़ी जैसे ऊंट की गाड़ी। इधर एक अंडा रख देंगे ना, मस्त पग के बाहर निकलेगा, इतनी गर्मी है, गाल का ऐसा चटका लग रहा है ना। कैसे गाड़ियाँ लगाए, कैसे सीधे होगा यार, शे आप ही बताओ कैसे सीधा होगा। फ्रेंड्स, लेट मी गिव द रूम टूर, कवर्ड्स ऑल ओवर अ मेस,
ग्रेट, मोस्ट नीडेड एसी इन 40 डिग्री सेल्सियस मैन। चेयर, सिट आउट एरिया एंड टीवी। फ्रेंड्स इट्स टाइम टू क्लोज दिस व्लॉग। बहुत गर्मी है बीकानेर में, आई नेवर एक्सपेक्टेड बीकानेर में इतनी रहोगी। 36-35 ओके यार, मगर 42-43 के बीच में दिखा रहा है। बहुत चटके लग रहा है पैरों को when I wear that riding pant. So if anyhow you guys like this video, don't forget to hit that like button, अच्छा लगेगा हमें। If you're watching this vlog and you're still not subscribed to my channel, then I will request you please to do subscribe, because on next vlog I'm traveling from Bikaner to Jaipur and वहाँ पर अपना halt है। So we'll explore the Hawa Mahal, Jantar Mantar and City Palace on next vlog. So this is Sagar signing off. Bye bye. Don't know everything about me.